इसका बेंजी बेंजी सा लगा रखा है। तो आंटी सी बन के आई है, गवार सी। तेरी इतनी हिम्मत, बदतमीज, गाड़ी पे हाथ कैसे रखा तूने? जीप से। सही कह रहे हो, सर पर गाड़ी ले कर। तेरे बाप की गाड़ी थी। चोरनी भी है क्या तू? कैसी बातें कर रही है आप? क्या कैसी बात कर रही हूँ? मुझसे जवान मत लड़ा। अरे बहन जी, ये एड्रेस बताना। ओ हेलो, तुझे किस एंगल से मैं बहन जी लगती हूँ? आंटी सी, तुझे खुद पढ़ना नहीं आता? पढ़ना लिखना तो आता है, पर ये ब्लॉक है कहाँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारे सर पे है, आ बैठ जा। समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें? हमने ठेका ले रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आया? भैया हम क्या बातें कर रहे हैं? क्या बहन जी सा लगा रखा है? तो आंटी सी बन के आई है, गवार सी। सही मारा, गाँव की गवार सी। ये क्या, ये कौन पहनता है अम्मा जी बन के? ये कौन पहनता है साड़ियाँ? कौन से देश से आई है बहन, कौन से देश से आई है? पागल वागल है क्या? मैं तो बस पूछ रही थी आपसे। तू सुनो तुम्हारी बात। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैडम प्रधानमंत्री है, इनकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो मैम लेक्चर दो, अपना लेक्चर दो, माइक लगाओ। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? कैसी क्या बातें कर रही हूँ? जैसी बातें जैसे लोगों के साथ करनी होती है वैसी ही बातें कर रहे हैं। तुम जैसे गवार थे, इससे अच्छे से बात भी नहीं की जा सकती। तुम कौन से गाँव से उठ कर आई थी? साड़ी की चप्पल पहन रखी है। तुम जैसे हो तो गाँव से भी निकाल देना चाहिए। बना के दिखा रही है मुझे बांदर से छकल के। कपड़े अपड़े तो पहनने आते नहीं, आ जाते हैं एड्रेस पूछने। अरे जय, वो तो छोड़ो, इसके बाल तो देखो इसे कैसे हैं। कभी धुलती उलती नहीं, कभी नहाती नहीं क्या? नहाती नहीं हो। और गूगल मैप नाम का सुना है, कुछ चीज होते हैं गूगल मैप में डालोगे एड्रेस वहाँ पहुँच सकते हैं। वो उसके लिए फोन होना चाहिए, बहन जी के पास फोन ही नहीं है। अरे हमारी काम वाली भी इतना अच्छा टच फोन चलाती है, पता तुझे? तेरे पास तो वो भी नहीं है। अरे मैं तो बस उनसे बात कर रही थी। आप तो मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुने, क्यों सुने? क्या तेरी बात सुने? लगा रखा सर पे बैठेगी क्या? चिल्लाई जा रही बात सुनो कब से लगा रखा माइक? लगाओ तेरे लिए, बोल बहन, बोल बोल, क्या बोलना चाहती है? अरे मैम आप कैसे बिहेव कर रहे हो? मैं कैसे क्या कर रही हूँ? तेरे जैसे के साथ ऐसे ही करना चाहिए आंटी जी। इतना डिजर्व करते हो वैसे ही करेंगे। हमारी सोसाइटी में तो आई कैसे, ये बता दे। गार्ड ने धक्के देकर भगाया नहीं तुझे? कौन से घर में झाड़ू पोछा लगाती है? अच्छा ये एड्रेस उसी ने पूछ रही ना, उसके घर में काम करने जाना है, झाड़ू पोछा करने जाना है। तेरे जैसे को काम भी नहीं देंगे, भगा देंगे। हमारी काम वाली भी तुझसे अच्छी है, सुंदर भी है। हाँ। जी बहन जी करते रहे हो जाके वहाँ। वो भी मुझे मैम बोलती है और इनको सर, समझ आ गई? ये होती है तहजीब जो कि तुम्हारे अंदर तो है नहीं। कुछ सेंस ही नहीं है यार, कैसे बात करनी कैसे नहीं, कुछ आता ही नहीं। बहन जी भैया जी कर रही है, चली जाए यहाँ से, समझ आ गई? दो रैपटे मारूंगी। भग जा यहाँ से, अभी उड़ के दो मुक्का मारेगी। चल गवारसी, तेरी इतनी हिम्मत, बदतमीज, गाड़ी पे हाथ कैसे रखा तूने? वो तो मैं गलती से टकरा गई इसमें। गलती से नहीं, मैं सब जानती हूँ। जहाँ महंगी गाड़ी देखी नहीं, बस चिपट जाए उसके सामने है। अरे मैम आप क्या समझ रही हैं? तेरी हिम्मत किसी मेरी गाड़ी गंदी करने की? मुंह से साफ करो इसके जीप से। सही कह रहे हो, सर पर गाड़ी ले कर। तेरे बाप की गाड़ी थी। तेरे बाप दादा ने भी देखी ऐसी गाड़ी कभी? हेडलाइट जैसे तो तेरी शकल है। सही कह रहे हो, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाती है, गाँव की गवार टायर सी। अच्छा वो इसके मुंह से साफ नहीं करवाया, इसके मुंह देख रहे हो उससे और गाड़ी खराब हो जाती है हमारी। सही बात है, कि महंगी गाड़ी इसके बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी। कैसे दे, इसने हिम्मत कैसे हो गई? तो गंदे हाथों से कहाँ से लाती हो इतनी हिम्मत? सॉरी मुझसे गलती से हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी अरे मुझे मत बोल, समझ आ गई? तो इतनी अच्छी नहीं है जो पूजा की थाली लगा तेरी आरती उतारूंगी कि हाँ जय माता दी। बैठने को तो तुम लोगों को मिलता नहीं ऐसी गाड़ी में, तुम्हारा घर चला जाएगा एक टायर में। इतनी महंगी गाड़ी है ये, चोरनी भी है क्या तू? कैसी बातें कर रही है आप? क्या कैसी बात कर रही हूँ? मुझसे जवान मत लड़ा, ये दो रैपटे में मुंह सीधा कर दूंगी तेरा। क्या ऐसे क्या देख रही है हमें? चल यार जय, सारा मूड खराब कर दिया। सही कह रहे हो तुम, नजर ही लगा दी होगी इसने। चल निकल यहाँ से, चलो गाड़ी में। चलो यार जय, उसने सारा मूड खराब कर दिया, पूरा दिन खराब हो जाएगा ऐसे लोगों की शक्ल देख लो ना। तो यार पैसे कहाँ गए? कहाँ गए पैसे? यहीं तो रखे थे। ओह शिट यार, कहीं उस चोरनी ने चुरा तो नहीं ली? कहाँ गई गवार, जाहिल सी, वो पहले शक था उसके ऊपर। मुझे भी लग रहा है वही लेके गई होगी, और कहाँ ही जाएंगे पैसे? शिट यार, कहाँ ढूंढूं मैं उसको? चलो यार ढूंढते, वो कहीं आसपास ही गई होगी। यार कहाँ चली गई वो चुड़ैल सी? पहले से शक था मुझे उसकी शक्ल देख के। वो चोरनी थी।
सारे पैसे लेके भाग गई। चलो शक्ल से ही लग रहा था तू चोरनी है। ये इसका टीम मेंबर है तुम्हारा? ये इसका टीम मेंबर ही है। ज्यादा नहीं हो रहा तुम लोगों का? क्या ज्यादा नहीं हो रहा? पैसे चुरा के भाग रही थी तू? मैं उल्टा तुम्हारे पैसे बचा रही थी। दिख रहा था ऐसे गिन गिन के, ऐसे 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 क्या बचा रही थी? दिख रहा था उस आंखों से देखा मैंने। शक्ल से लड़ते तो काम वाली तो है ही। बस करो, सुन लो अब मेरी बात। क्या सुन ले? बड़े तेवर तो देखो महारानी के, कैसे चपर चपर कर रही है। तेरे जैसे की बात सुनेंगे हम? इतने तेवर क्या दिखा रही थी? हाँ तुझे तो उड़ती हुई लात मारनी चाहिए। सही कह रहे थे तुम। और क्या? बदतमीज कहेगी, पैसे चुरा के भाग रही थी। शरीफों के देखे ही नहीं होंगे कभी पैसे सपने में। खरीद तो कमा तो सकती नहीं है ना, तो चोरी करने में आ गई और टीम मेंबर भी जोड़ रखे अपने साथ। बेशरम। इसके यार रोज का होगा पिटना, चोरने लोगों का होता ही क्या काम है? कभी यहाँ पिट रहे, कभी वहाँ पिट रहे। अंदर, अंदर करा देना चाहिए तुझे तो जेल के, समझ आ गई? और तुझे शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के बहकावे में आके ये सब हरकतें कर रहा है। मेहनत का खा लो, मेहनत का हराम का नहीं खाते किसी का। गोगी गवार, तुझे मैं बता दूं। अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? अच्छा हुआ सर, अब सही टाइम पे आ गए। इन दोनों चोरों को ना जेल के अंदर डाल दो, पैसे चुराए थे हमारे। मैडम आपको पता ही कौन है? ये यहाँ की IPS ऑफिसर है। आपको कोई गलत फहमी हुई है मैडम? कोई नहीं सर, आप इसको लेकर जाओ। इन दोनों को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सॉरी मैम, आज मेरी यहाँ पे ड्यूटी थी, इसकी वजह से मैं ना सिविल ड्रेस में आई थी। कि क्या चप्पल पहन रखे हैं, क्या कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे तुम कपड़ों से जज करते हो लोगों को? काश तुमने 2.5 अक्षर पढ़ लिए होते ना किताब के, तो तुम्हें पता होता लोगों की इज्जत कैसे करते हैं। तुम मुझे सिखाओगे कैसे कपड़े पहने जाते हैं? अरे तुम्हें तो इतना तक नहीं पता कि बाहर से फॉरेन और अब्रॉड से जो लोग आते हैं ना, वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमारी तरह साड़ी या सूट पहन रहे हैं, और तुम मुझे बता रहे हो कि वन पीस पहनो, ये पहनो, कानों में बालियां पहन लो। कैसे मैं बहुत ज्यादा हॉट लगूंगी? सॉरी, मेरे कल्चर को तो ये शोभा नहीं देता है। मुझे तो लगता है कि जैसे ही मैं सिंपल हूँ, मैं वैसे बहुत बेस्ट हूँ। और दूसरी चीज, ये चोर ना बहुत दिन से यहाँ पे इस एरिया में ना चोरी कर रहा था, तो इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं खुद आई थी, और तुम लोगों ने मुझे ही चोर समझ लिया। कम से कम लोगों के हुलिये से उसको जज तो मत करो। बताओ तुम्हारे जैसे एजुकेटेड लोग ही अगर हमें जज करेंगे, तो फिर हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? देख कर ही लग रहा है तुम किसी अच्छे रेपुटेटेड फैमिली से हो, उसके बाद तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, तुम्हारा पहनावा ऐसे है, तुम्हारे कार पे मेरा हाथ चला गया, तुमने बोला कि तुम्हारे कार में स्क्रैच आ गया। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उस कार पे बैठ सकूं। तुम्हें पता भी है जिस गाड़ी में मैं आती हूं वो कितनी रेपुटेटेड गाड़ी है, क्योंकि मैंने वो अचीव करा है। तुम्हारी तरह मुझे मेरे पापा ने नहीं खरीद कर दिया है, तो तुम्हारे अचीवमेंट और मेरी अचीवमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और कपड़े की बात कर रहे थे तुम, कपड़े पहनने की तहजीब मुझ में हो या ना हो बेशक, पर मैं अपने जॉब में बहुत परफेक्ट हूँ, और मुझे पता है मैं बहुत परफेक्टली अपना काम कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों से तो मुझे कोई राय या सजेशन तो चाहिए नहीं। तुम मुझे बताओगे, जिनको खुद का नहीं पता कि लोगों की इज्जत क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म नहीं होता, पर तुम्हें क्या पता होगा धर्म और इंसानियत क्या होती है, जिनको तमीज तक नहीं है किसी से बात करने की। तुमसे अपने पैसे तो संभाले नहीं गए, और तुम मुझे तहजीब सिखा रहे हो। और मैंने तुम दोनों से ऐसा क्या पूछ दिया था? बस एड्रेस ही पूछा था ना मैंने, और तुमने उसमें मुझे चोर समझ लिया, थप्पड़ मार दिया। और तुमने क्या बोला था कि बहन जी गवार गांव की? एक बात बताना मुझे, क्या कोई गांव का इंसान तुम्हें कभी किसी ने बोला है कि तुमने क्या मॉडर्न ड्रेस पहन रखा है, या तुमने ये क्या पहन रखा है जैकेट, कभी बोला है? नहीं ना, क्योंकि हमारे तहजीब में ये चीज नहीं है। पर तुम्हारे जैसे लोग हमें देख के क्या बोलते हैं? गांव वाला, अरे देखो गांव वाली जा रही है, देखो गवार जा रही है, बहन जी जा रही है। हम बहन जी सही, पर हमारे अंदर संस्कार तो है। गलती हो गई हमसे, मैंने आपको आपके कपड़े से जज कर दिया, क्योंकि ज्यादा ही एटीट्यूड में आपसे बात कर रही थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी चॉइस और सबकी अपनी अपनी पसंद, जो मर्जी जैसे मर्जी पहने। मुझे ये भी पता अभी तुम क्यों इतना दिखा रहे हो, तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है, तुम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं पुलिस वाली हूँ ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। पर अगर मेरे जगह कोई और लड़की होती तो तुम उसकी ऐसी ही बेइज्जती करते, ऐसे तुम उसको जज करते? सॉरी मैम। तुम्हारा अपना पहनने का तरीका है ना, क्या मैंने तुम्हें बोला तुमने क्या कपड़े पहन रखे हैं? क्योंकि मुझे पता है तुम इसमें कंफर्टेबल हो, तो मैं ऐसे कपड़ों में ही कंफर्टेबल होती हूँ। तुम दोनों ने जो ये हरकत की है ना, उसकी वजह से मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को जेल में डाल सकती हूँ। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर तुमने हाथ उठाया, ऐसी बदतमीजी करी,
लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम दोनों की लाइफ आने वाली स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आगे से ना किसी के साथ ऐसे बिहेव मत करना, और मैं लास्ट वार्निंग देकर तुम दोनों को समझा रही हूँ, याद रखना इस चीज को। आगे से नहीं, अगर कभी मैंने ऐसा कर्जा देख लिया ना मैं उस टाइम सोचूंगी भी नहीं। I'm so sorry. से बहुत बड़ी ठीक है, जाओ निकलो अभी यहाँ से।